जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। तो आज मैं जो दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये है बाबा खाटू श्याम जी का सिंगार। आप अपने अनुसार किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके आसपास अगर मंदिर है या आपके घर में मंदिर है, तो जो ये इसका सिंगार होता है, आप अपने अनुसार इसको किस तरह से कम खर्च में आप कर सकते हैं। तो मेरे पास एक तस्वीर था खाटू श्याम जी का, बाबा का। तो मैं इस तरह से इनके गेंदा से श्रृंगार किया जाता है, गेंदा, गुलाब और तुलसी का माला से। तो आप अपने अनुसार भी इसको कर सकते हैं। ये पहले आप पहले इसको जुगाड़ बना लें, ताकि किसी कहीं आपको इसको जो श्रृंगार जो होते हैं बाबा का, आप उनको कहीं फूल को फंसाने का प्रयास करें, नहीं तो पीछे में गैपिंग रहता है। आप अपने अनुसार इसको इस तरह से गेंदा फूल की मदद से आप इसको सजा सकते हैं। तो मेरे पास 20 गो लड़ी था गेंदा का, और कुछ गुलाब का था, गुलाब जो कि 20 से 25 गो इसमें लगने वाला है। तो ये बाबा का आज तस्वीर का मैं श्रृंगार कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं श्रृंगार किया हूँ, ताकि ये बाबा खूबसूरत दिखे सिंगार में। इनका सिंगार ही सबसे खास होता है बाबा का। तो मैं इस तरह से रैनी और गुलाब से मैं एक माला तैयार किया हूँ, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए, ये गेंदा फूल का मैंने इस तरह से कटिंग करते हुए बाबा का मैं सिंगार किया हूँ। ये सिंगार का वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो जो जो भी बाबा को मानते हैं, तो वो लाइक करें, और इस तरह से मैं वीडियो लाता रहता हूँ। बहुत सारा वीडियो मैं डालूँगा बाबा का श्रृंगार किया हुआ। तो मैं ये आज श्रृंगार का वीडियो ही डाला हूँ। तो देखिए, मेरे पास कुछ हरा भरा पत्ता था, और मैं गेंदा का वो पीछे से कहीं बहान के अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कुछ हरा पत्ता में डाला हूँ, ताकि ये बाबा खूब दिखे बढ़िया। और आज सिंगार भी है। तो मैंने इस तरह से गुलाब का कुछ पंखुड़ी लगा के मैं अपने घर पे इनका सिंगार करता हूँ। तो मैंने इस तरह से मंदिर एक बनवाया हूँ, ताकि इनकी इसको मैं हर एक बार खुद से मैं सिंगार कर सकूँ। तो मैंने इस तरह से बाबा का श्रृंगार किया हूँ। तो ये आप 1500 से 2000 तक में आप बाबा का श्रृंगार कर सकते हैं, आप अपने अनुसार। अगर किसी को बुलाते हैं तो 100-200 बेसी लग सकता है। तो मैंने इस तरह से बाबा का श्रृंगार किया हूँ। जो जो बाबा को मानते हैं, वो लाइक करें, कमेंट भी करें, ताकि ये श्रृंगार खुद से कर पाए घर पे ही। बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया गया है दोस्तों। बहुत सारा मैं फ्लावर डेकोरेशन के मामले से मैं लाते रहता हूँ। तो मैंने ये बाबा का भी श्रृंगार किया था, तो मैं आज ये वीडियो दिखा रहा हूँ। ये बड़ी भाग्य की बात है कि मैं वीडियो श्रृंगार का बनाया हूँ, और मैं हर एक बार मैं बाबा का श्रृंगार खुद से करता हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आप लोग बाबा को भी मानते हैं, तो बाबा का श्रृंगार पूजा देख सकते हैं। तो मैं ये कंप्लीट कुछ बचा हुआ था, तो मैं फिर से मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि आप अपने अनुसार पहले गेंदा का फूल डालें, फिर कुछ हरा पत्ता, और इसका जो तुलसी का माला होता है, अगर अगर आप इस पे चढ़ाते हैं तो बहुत और ही अच्छा लगेगा। तो आप अपने अनुसार आप बाबा को श्रृंगार करें। ऐसा नहीं है कि पूरा गेंदा फूल ही डालना चाहिए, बहुत तरह का फूल आ रहा है मार्केट में। आप अपने अनुसार बाबा का श्रृंगार करें। तो इस तरह से मैं वीडियो लाते रहता हूँ, और भी मैं बाबा का वीडियो डालूँगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हरे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। इस तरह से मैं बाबा का श्रृंगार करने का आज मुझे मौका मिला, और मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आप अपने अनुसार घर पे करते रहें।
जय श्री श्याम।